हरी बोलो, हरी हरी बोलो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया जी। गोपाला जी की असीम कृपा से, बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, बहुत ही टेस्टी मेथी कॉर्न पुलाव। तो आइए खाते हैं। इसलिए हमें जो जो चाहिए, सबसे पहले तो हमें कॉर्न चाहिए। ये मैंने बहुत ज़रा सा राई लिया है, ये है जीरा, ये है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक, और ये है हमारा मेथी जिसे मैंने अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लिया, और ये है राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है शुद्ध देसी घी, और देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, और ये आप ये समझिए जितना अच्छा शुद्ध देसी घी होगा ना आपका, उतना ही अच्छा ये पुलाव बनने वाला है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ तेज पत्ता, तेज पत्ता हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी ये राई, थोड़ा सा राई स्प्लैटर हो जाए, उसके बाद में डालूंगी जीरा और जीरा भी अच्छे से जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या डालना है। इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी, और ये मैंने डाल दिया अपना मिर्च। और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है। हालांकि इसके भी दो तरीके हैं, मैं आज आपके साथ ये जो मसाले के साथ बनता है मैं वो शेयर कर रही हूँ। और ये मैं ऐसे ही अपने मिर्च में डाल देती हूँ, थोड़ा सा मुझे पकने देना है, और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जी। और अब हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सिम पे कर देना है अपनी गैस, ठीक है, बिल्कुल सिम पे करके आप बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और हम इसे लगा देंगे लिड केवल। ये देखिए अब हमारे मेथी ने जो है इसमें छोड़ दिया है थोड़ा सा पानी, ये पानी रिलीज करेगा ही। इसमें हमें थोड़ा सा अपना जो फ्लेम है उसे थोड़ी सी हाई करना है, और मेथी को अच्छे से फ्राई करना है जी। अच्छे से मेथी को फ्राई कर लेना है जी। और अब हम डाल देंगे स्टेज पे इसमें कॉर्न अपने, क्योंकि कॉर्न भी हमारे फ्रोजन है, दैट्स द रीजन, क्योंकि कॉर्न भी हमारे फ्रोजन है तो ये भी मेथी के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए और इसे अच्छे से पकने देते हैं। आइए और इसे हम थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए हमारा जो मेथी है उसमें अपना जो वाटर रिलीज हुआ है इसे हम फुल फ्लेम पे करके इसका पानी जो है ना इसे हम हटा देंगे बिल्कुल भी, ये जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही इसमें चावल डालना है। सुखा लेना है, क्योंकि जो जब हम चावल डालेंगे इसमें जब अगर मेथी का पानी रह जाएगा तो थोड़ा सा उसमें जो कड़वाहट का होता है उसकी चांसेस हो जाती है, हालांकि कॉर्न है तो वो होगा नहीं। तो इसे हम अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं फिर डालेंगे राइस। तो ये देखिए जो इसका वाटर है वो रिलीज होने लग गया है, और सॉरी
जो इसका वाटर है ना थोड़ा सा आप देखोगे ड्राई हो गया, अभी टाइम हम इसे डाल देंगे स्टेज पे, इसमें अपने राइस। और अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है घी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, और इसमें जो मसाला रहता है ना बहुत हल्का रहता है। हालांकि इसके दो तरीके हैं, मैं फिर बताती हूँ। ये मैं आपके साथ पहला तरीका शेयर कर रही हूँ, दूसरा जो होता है दही के साथ होता है, वो भी बिल्कुल दम देके बनता है और वो भी बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, तो थोड़ा सा मैं लो फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है बस। ये देखिए, इसे अब हम कुक होने देते हैं। तो चलिए मिलते हैं, हरी बोलो। हमारा पुलाव रेडी है, चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए, प्रभु का भोग तैयार है। ये रख दिया मैंने तुलसी दल, तो चलिए लगाते हैं प्रभु को भोग, मिलते हैं भोग लगाने के बाद। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी, हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। तो देखिए, मेरे गोपालू का, मेरे लड्डू लाडू कन्हैया जी और सभी का भोग लग चुका है। और देखिए, मेरे भैया माता रानी और मेरे गोपालू, मेरे मुरारी जी, सभी का भोग लग चुका है जी। और अब सभी करेंगे विश्राम, तो हम मिलेंगे। हम लोग कब मिलेंगे लड्डू बाबू? हम लोग मिलेंगे शाम को, है ना? और ये है कॉर्न और मेथी का पुलाव और गाजर के सैलेड के साथ। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं शाम को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। गोपाला भैया, राधे राधे बोल दो सबको, राधे राधे, हरी बोलो, हरी हरी बोलो।